नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयड बुलेटिन। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने से रौनक है। प्रतिदिन 5,000 से अधिक के तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इससे यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को भी राहत मिली है। धाम की चोटियों में बर्फ की सफेद चादर भी यात्रियों को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों ठंड पहले से ही बढ़ रही है। आपको बता दें कि आगामी 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं। मानसून के दौरान यात्रियों की संख्या नाम मात्र की रह जाती है, लेकिन अब बद्रीनाथ यात्रा के लिए कुछ वर्षों से श्राद्ध पक्ष में भीड़ उमड़ती रही है। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के बाद लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 11 लाख से अधिक यात्री दर्शन को पहुंच चुके हैं। यात्रियों की आवाजाही से बद्रीनाथ सहित यात्रा पड़ावों में भी रौनक है। कपाट बंद होने तक होटल कारोबारियों को अग्रिम बुकिंग मिल रही है। इस माह तो दीपावली से पूर्व होटलों में 40% से अधिक अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।